कहते हैं माँ का परछाई होता है बेटा, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है। जैसे कि हमारे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सोयाबड़ी की सब्ज़ी यानी कि सोया चंक्स की सब्ज़ी बहुत पसंद है, बट हमारे सासू माँ को बिल्कुल नहीं पसंद है। देख के दूर से ही बोलती हैं इसको मारो भगाओ भाई सब्ज़ी को। तो फ्रेंड्स इस हालत में हम क्या करें, तो हम इस तरीके से बनाते हैं चटपटी सी सब्ज़ी जो कि हर कोई खा लेता है भाई, बीन बीन की अपनी पसंद की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो गर्म पानी मैंने रख दिया है, उबाल करने के लिए नमक डाला है 1 चम्मच, उसके बाद सोया चंक्स को इसमें डाल दिया है। फिर छन्नी से छान के दो पानी से ठंडे पानी से धुल कर अच्छे से साइड में रख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बन रहे हैं चटपटी चुलबुली सब्जी जो कि सोया चंक्स की है। आप अपने घर कैसे हैंडल करते हो, अपनी सासू माँ को, अपने हस्बैंड को और बाकी फैमिली को, तो बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं सोया चंक्स को अच्छे से मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे डाल दी हूँ 3 से 4 चम्मच दूध फुल फैट। अब इसके बाद फ्रेंड्स डालेंगे 1/2 स्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर, उसके बाद फ्रेंड्स 1/2 स्पून जाएगा मिर्ची पाउडर, और उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च अगर हो तो बेस्ट है, क्योंकि सब्जियों का कलर निखार देता है भाई। थोड़ा देखने में लोग आँखों को सुकून पहुँचाने के लिए ये सब कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं, ताकि खाने से पहले आँखों को ही पसंद आना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं डाला है। तो यहाँ पर मैं कुटी लाल मिर्च डाल दिया आधा स्पून मैंने गर्म मसाला पाउडर, फिर 1/2 स्पून मैंने डाला है धनिया पाउडर। ये सब डालने के बाद अच्छे से इसको चलाना वलाना है। उसके बाद फ्रेंड्स जाएंगे इसमें कुछ और, तो क्या जाएंगे चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ये है 1 से 1.5 चम्मच, मैं आपको दिखा दूँ 1 चम्मच भर के है, 1/2 चम्मच और है इस कटोरी में। ये है भुना हुआ बेसन, आप तो मैंने मेरा बेसन थोड़ा कम भुना हुआ है, आप थोड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा। तो भुने हुए बेसन का इसमें ना रोल बहुत ही ज़्यादा प्ले करता है। पहली बात तो आपको मैरिनेट आपके सोया चंक्स को कर देंगे, उसके बाद इसका खुशबू टेस्ट दोनों बहुत अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने डाला है नमक, अब नमक डाल के चला देंगे और नमक हिसाब से डालिएगा सब्जी में। ये देखिए यहाँ पे हो गया है रेडी। अब यहाँ पे 1 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल डालेंगे ताकि मॉइस्चर रहे हमारे सोया चंक्स पे। इसको इसमें फेंट कर डालेंगे, सारे जो मैंने गर्म पानी में चंक्स डाले हैं उसको डालेंगे इस बैटर में, और इसको टिप टिप करके मिला जुला के 10 से 15 मिनट के लिए इसको ऐसे हम रख देंगे साइड में। तो लीजिए इसको साइड में करते हैं, चलते हैं करते हैं दूसरा काम। तो चलिए इसी लगे हाथ में मसाला 1 से 2 चम्मच यहाँ पे देखिए धनिया पाउडर मैं ले रही हूँ 1 बाउल में। अब इसी में फ्रेंड्स मुझे लेना है ये देखिए हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर सब 1/2 चम्मच लेना, सिर्फ धनिया अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग यानी 2 चम्मच मैंने लिया है। तो 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर, और लीजिए अब ये सब डालने के बाद फ्रेंड्स इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप कसूरी मेथी ऑप्शनल है डाल सकते हो। तो लीजिए यहाँ पे मैं फुल फैट फिर से 2 से 3 चम्मच डाल रही हूँ, और इसी में मैं अच्छे से इसको पेस्ट बनाऊँगी दूध का ही। दूध बहुत लोग कहते हैं मसाले में दूध नहीं डाला जाता, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि डाला जाता है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको रखते हैं साइड में। अब यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से मैंने इसका रखा है पेस्ट। अब यहाँ 3 प्याज मैंने लिया, 3 मिर्ची, 2 प्याज मैंने स्लाइस कट करके ग्राइंड जार में डालूंगी ग्राइंड करने के लिए, और 1 प्याज मैं खुला करूँगी जैसे कि पनीर वगैरह में डालते हैं। तो यहाँ पे ग्राइंड जार में मैंने प्याज डाल दिया है, उसके साथ साथ मैं 2 से 3 चम्मच ये कच्ची मूंगफली है यानी बादाम वो मैं डाल रही हूँ ताकि ग्रेवी जैसा हो गाढ़ा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको डाल रही हूँ, फिर यहाँ पे 3-4 कलियाँ लहसुन, 2 मिर्ची और 1 चम्मच जीरे मैंने लिए हैं। तो फ्रेंड्स अदरक और टमाटर इन दिनों मार्केट में महंगे हैं, तो मैं डाल रही हूँ सब्ज़ी में फिलहाल यही सब डाल रही हूँ। तो चलिए और जो मैंने 1 प्याज रखे थे साइड में उसको भी मैंने ऐसे स्लाइस स्लाइस खुला करके रख दिया है, वो आगे मैं दिखाऊंगी क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सोया चंक्स को खोल दिया है, और 2 चम्मच तेल डालकर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब गोल्डन ब्राउन। तो यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने को आया है, मतलब चलाएंगे उसके बाद गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। फ्रेंड्स मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और इंतज़ार रहता है आप सबके कमेंट का। तो आई होप अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक ज़रूर करेंगे, नहीं अच्छी लग रही होगी तो भी कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए जो मैंने पेस्ट अभी बनाया मूंगफली का दाना और प्याज वाला, वो पेस्ट मैंने 2 चम्मच तेल डाला उसके बाद पेस्ट डाल दिया,
पेस्ट जैसे ही 10 मिनट मैंने भूना, क्योंकि प्याज और मूंगफली था ना सुखाना ज़रूरी था, तैसे सूख चुका है। मैंने फिर एक चम्मच बीच में ऑयल डाला, उसके बाद मैंने डाल दिया है फ्रेंड्स जो मैंने मसाले को कोटिंग करके रखे थे ना दूध में, तो वो मैंने डाल दिया बीच बीच में। और मसाले सारे भून लिए हैं मैंने। तो चलिए फ्रेंड्स, एक लोखंड की कढ़ाई मैंने रखा है, और जो मैंने खुले प्याज करके रखे थे एक, वो डाल के अब इसको फ्राई करेंगे। बहुत अच्छे से फ्राई नहीं होगा, तो इसी के बीच में मैं डालूंगी 2 3 से 4 मैंने आलू छील के रखे हैं उसको, ये देखिए स्लाइस कट, छोटे छोटे कट कर देने अपने मनपसंद पीसे। फिर मैंने इस कढ़ाई में प्याज के साथ वो भी डाल दिया है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने दिया। तो जो मैंने प्याज और मूंगफली का पेस्ट बनाया था, तो उसमें फ्रेंड्स सारा सूखा गया था, दूसरे कढ़ाई में था ना वो सब मसाले, तो मैंने उसके ऊपर ये लोखन वाला आलू और प्याज भी डाल दिए ऊपर से। फिर इसमें 2 मिनट में चलाऊंगी, अच्छे से कोटिंग कर देंगे सारे मसाले आलू। तो इसी के ऊपर डालेंगे न्यूट्रीनिगेट यानी कि सोया चंक। तो इसके ऊपर मैंने सोयाबीन भी डाल दिया है, और सारे फ्राई हैं, मसाले भी अच्छे से भुने हैं, आलू भी फ्राई हैं, सोया चंक्स भी फ्राई हैं। फ्रेंड्स बहुत लोग एक ही में करके बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा अलग स्टाइल इसका चेंज किया, तो इतना टेस्टी था कि मैं क्या बताऊँ। बस मेरा हो चुका है। लास्ट में मैंने गरम मसाला आधा चम्मच नमक डाला है, क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाला था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, मैं नमक डाल के अच्छे से चला दी, 10 मिनट ढकी, बस मेरी ये सब्जी बनके रेडी हो गई है। तो ये कोई गेस्ट आए तो इसी स्टाइल में बनाइए, या तो घर पे ही बनाइए, कोई फेस्टिवल पार्टी, तो बहुत ही अच्छे से बखान बखान के खाएंगे। तो जान लीजिए कि आपको बहुत ही खुशी होगी कि हाँ, मैंने चेंज किया है सब्जी में। सब्जियां तो हम हमेशा आलू चंक्स, सोया चंक्स, कुछ भी ना कुछ भी बना ही लेते हैं, लेकिन उसमें छोटी छोटी कुछ चेंजेस करने से इतनी ही एनहांस इसकी हो जाती है, इतनी चेंज होके आती है कि मैं क्या ही बताऊं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीलू स्वीट किचन पे जुड़ जाइए और कर दीजिए लाइक, और बन जाइए मेरी यूट्यूब फैमिली। तो उम्मीद मैं यही करती हूँ। चलिए भैया, टमाटर और धनिया पत्ती की तो नामो निशान नहीं है, तो यहाँ पे प्याज से थोड़ी इसको अच्छे से सजा धजा देते हैं, और ऊपर से मिर्ची की थोड़ी सी छिड़काव कर देते हैं, लाल मिर्ची साइड में कर देते हैं, थोड़ी सी कलरफुल लगे देखने में। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मेरी सोया और आलू की चंक बहुत ही टेस्टी मसालेदार बन के रेडी है। तो सब्जी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, रखना ढेर सारा ख्याल।